ओम शांति। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है। टुडे वी हैव द मॉर्निंग क्लास। 26 जून 1968। डेटेड 26 जून 1968। अभी शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। नाउ एवरीवन बिलीव्स इन द इनकॉर्पोरियल गॉड शिव। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वेदर दे आर हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स और क्रिश्चियंस, निराकार को सब मानते हैं। एवरीवन बिलीव्स इन द इनकॉर्पोरियल वन। और एक ही निराकार शिव है। एंड देयर इज ओनली वन इनकॉर्पोरियल शिव, जिसकी सभी पूजा करते हैं। हुम एवरीवन वर्शिप्स। अब मानना एक बात, टू बिलीव इज वन थिंग, और पूजा करना एंड टू वर्शिप, समवन सेड इट इज द सेम थिंग। एक ही बात, इज इट द सेम थिंग। पूजा की जाती है साकार की, द कॉर्पोरियल वन दैट इज साकार इज वर्शिप्ड, और मानने वाले भले मानते रहे। रिगार्डिंग द बिलीवर्स, दे मे कंटिन्यू टू बिलीव, साकार को माने या निराकार को माने, वेदर दे बिलीव इन द कॉर्पोरियल वन और इन द इनकॉर्पोरियल वन, पहचाने न पहचाने, दे मे रिकॉग्नाइज हिम और दे मे नॉट, बिना पहचाने माने, दे मे नॉट रिकॉग्नाइज हिम एंड येट बिलीव इन हिम। परंतु जहाँ तक याद का और पूजा का सवाल है, बट एज फार एज रिमेम्बरेंस दैट इज याद एंड वर्शिप आर कंसर्न्ड, याद निराकार को पहचान करके, रिमेम्बरेंस शुड बी आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द इनकॉर्पोरियल वन, निराकारी स्वरूप की बेसिक पहचान कम से कम जरूर हो, देयर शुड बी एटलीस्ट द बेसिक रिकॉग्निशन ऑफ द इनकॉर्पोरियल फॉर्म, कि ज्योति बिंदु है, दैट ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, एंड दैट ही इज द फादर ऑफ अस पॉइंट लाइक सोल्स। फिर विशेष पहचान भी जरूरी है। आफ्टर दैट द स्पेशल रिकॉग्निशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विशेष पहचान ये, द स्पेशल रिकॉग्निशन इज, कि बिंदु बिंदु आत्माएं तो सभी हैं, ऑल द सोल्स आर नो डाउट पॉइंट्स, ये कोई खास बात नहीं हुई, दिस इज नॉट समथिंग स्पेशल, पहचान पक्की नहीं होती है, दिस रिकॉग्निशन इज नॉट डेफिनेट, पहचान तब पक्की हो, द रिकॉग्निशन बिकम्स डेफिनेट, जब पता लगे, व्हेन वी कम टू नो, कि कौन से साकारी स्वरूप के द्वारा वो निराकार सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के कार्य करता है, थ्रू विच कॉर्पोरियल फॉर्म द इनकॉर्पोरियल सुप्रीम सोल एकम्प्लिशेस हिज टास्क आफ्टर कमिंग टू दिस वर्ल्ड, तब याद हो, देन द रिमेम्बरेंस विल लास्ट, नहीं तो भक्ति मार्ग में तो उस निराकार को सर्वव्यापी मान लेते हैं, अदरवाइज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन पीपल बिलीव द इनकॉर्पोरियल वन टू बी ओमनीप्रेजेंट, और सर्वव्यापी मानने से कोई की बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, नो वंस इंटेलेक्ट कैन बिकम फोकस्ड बाय कंसिडरिंग हिम टू बी ओमनीप्रेजेंट। तो निराकार या साकार की पूजा तो करते हैं, देयरफॉर दे डू वर्शिप द इनकॉर्पोरियल और द कॉर्पोरियल वन, याद तो करते हैं, दे डू रिमेम्बर हिम, बाकी जो भी देर आ रही है, एक बाप के सिवाय जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है, उसके सिवाय सभी देहधारी साकारी है, द रेस्ट ऑफ ऑल द बॉडीली बींग्स आर कॉर्पोरियल एक्सेप्ट फॉर द वन फादर हु इज कॉल्ड द सुप्रीम सोल। वो एक सदैव निराकारी है, That one is always incorporeal.
शरीर में प्रवेश है तो निराकारी स्टेज भी साबित होगी. When he has entered a body, the incorporeal stage will be proved as well. अगर शरीर में प्रवेश नहीं है, If he has not entered a body, तो निराकार कहें भले. Though we may call him incorporeal, लेकिन उस निराकार की पेक्युलियरिटी साबित नहीं हो सकती. But the peculiarity of the incorporeal one will not be proved. कि वो निराकार कौन है? Who that incorporeal one is? कहाँ है? Where he is? कैसे कार्य करता है? How he does his work? आत्माएं तो सभी पहले पहले निराकार थी. At first, all the souls were incorporeal. जैसे परमपिता परमात्मा निराकार, आत्माएं भी निराकार. Just as the Supreme Father, Supreme Soul is incorporeal, similarly, all the souls are incorporeal. फिर बाद में साकार बनी है. Later on, they have become corporeal. साकार जब बनते हैं, When they become corporeal, तो शरीर में प्रवेश करते हैं. They enter a body, तब उनका पार्ट चलता है. And then they play their part. चाहे वो आत्मा सामान्य आत्माएं हो, दे में बी कॉमन सोल्स, या परमपिता की आत्मा हो, सुप्रीम सोल हो, और द सोल ऑफ द सुप्रीम फादर, दैट इज द सुप्रीम सोल. पार्ट कब चलेगा? वेन विल दे प्ले देयर पार्ट? जब शरीर में प्रवेश करे. वेन दे एंटर अ बॉडी. पार्ट चलता है तो कोई कार्य होता है. When they play their part, some act is performed. कोई काम करेंगे. They will do some act. और फिर काम के आधार पर नाम पड़ते हैं. And then they are named according to that act. बाकी मूल वतन में तो आत्माओं का कोई पार्ट नहीं है. As for the soul world, that is मूल वतन, souls have no part to play over there. क्यों? Why? क्योंकि वहाँ साकार शरीर ही नहीं है. Because there are no corporeal bodies over there at all. तो पार्ट भी साबित नहीं होता. So there is no proof of a part played. कोई काम भी साबित नहीं होता. No proof of any work done. और फिर अलग अलग नाम भी साबित नहीं होता. And there is no proof of different names for a point either. जैसे एक्टर्स हैं, जब घर में होते हैं, For example, when actors are at home, तो नाटक का कोई पार्ट नहीं होता है. They have no part of a drama to play. स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं. When they come on stage, they play their part. तो ये दुनिया भी So this world is also एक रंगमंच है, स्टेज है. A रंगमंच, that is a stage. और मूल वतन आत्माओं का घर है. And मूल वतन is the home of the souls. घर में कोई नाटक नहीं. There is no drama at home. कोई नाटकबाजी नहीं. There is no play of a drama. फिर साकार वतन रूपी स्टेज पर जब आत्माएं आती हैं, When the souls come on this corporeal stage-like world, तो पार्ट बजाती हैं. They play their part. और यहाँ इसी सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाती हैं. And they play their part after coming to this very world. ऐसे नहीं कि जैसे आज के वैज्ञानिक लोग समझते हैं मंगल ग्रह पर जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे. It is not like how today's scientists think that they will go on the planet Mars. They will go to the moon. अलग अलग ग्रहों पर हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे. And they will build platforms on different planets. वहाँ कोई पार्ट चलता है. And they will play a part there. नहीं. No. पार्ट सिर्फ यहाँ इसी सृष्टि पर बजता है. A part is played only here on this world. और पार्ट पर ही सारा मदार है.
एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पार्ट इटसेल्फ। आत्माओं का जो नामाचार होता है, द नेम ऑफ सोल्स इज ग्लोरिफाइड, उस नामाचार का सारा मदार किस बात पर है? ऑन व्हाट डज दैट ग्लोरी डिपेंड? पार्ट के ऊपर, ऑन द पार्ट। बाकी बिंदु बिंदु आत्माओं में कोई फर्क नहीं है। एज फॉर द रेस्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉइंट लाइक सोल्स, सब बिंदु बिंदु आत्माएं एक जैसी। ऑल द पॉइंट लाइक सोल्स आर अलाइक, जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, लाइक यू चिल्ड्रेन आर सोल्स, वैसे इनकी आत्मा भी है। सिमिलरली दीज वंस आर ऑल्सो सोल्स, किनकी? हु? सिर्फ इसकी नहीं कहा, ही डिडंट से ओनली दिस वन, इनकी माने जिनमें मैं प्रवेश करके स्पेशल पार्ट बजाता हूँ माता पिता का। दीज वंस मीन्स द वंस इन होम आई एंटर टू प्ले द स्पेशल पार्ट ऑफ मदर एंड फादर, अर्थात राम कृष्ण की भी आत्मा है। इट मीन्स राम एंड कृष्णा आर ऑल्सो सोल्स, वो भी पार्ट धारी है, दे टू आर एक्टर्स। बाकी बाप परम पिता परमात्मा क्या करते हैं? बिसाइड्स वॉट डज द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल डू, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वॉट इज हिज ऑक्यूपेशन, वो बात जाननी। यू हैव टू रियलाइज दिस, इस दुनिया में भी, इवन इन दिस वर्ल्ड, हर आत्मा का कोई न कोई ऑक्यूपेशन, कोई न कोई धंधा होता है ना। एवरी सोल हैज सम और अदर ऑक्यूपेशन और जॉब, डजंट इट? कोई राष्ट्रपति है, कोई राजा है, समवन इज अ प्रेसिडेंट, समवन इज अ किंग, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। These are the occupations of a soul, aren't they? तो कहते हैं ये पवित्र देवताएं हैं। So people say for the deities, these are pure deities. इन्होंने पवित्रता को पालन किया है, प्रैक्टिस की है। They have observed purity, they have practiced it. इसलिए उनको पूजा जाता है। That is why they are worshipped. पूजा का आधार क्या है? What is the basis for worship? पूजा का आधार है ही purity. The very basis for worship is purity. किस समय की purity? The purity of which time? Someone said the purity of the confluence age. ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में जो पवित्र रहते हैं देवताएं, उस समय की यादगार पूजा होती है। It is not so that the worship is done in the remembrance of the purity of the deities who live in the golden age and the silver age. नहीं, no. संगम युग में जब बाप आकर पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, when the father comes in the confluence age and teaches the study of purity, उस समय जिन जिन देव आत्माओं ने पवित्रता को धारण किया है नंबर वार, उनकी फिर नंबर वार पूजा होती है। At that time, the deity souls who assimilated purity number wise are worshipped number wise according to their capacity. अभी तुम बच्चे समझते हो? Now you children understand. कि लक्ष्मी नारायण यह पढ़ाई पढ़ करके विश्व के महाराजा महारानी बने हैं। This Lakshmi Narayan have studied this knowledge and become the world emperor and empress. और इनको विश्व का महाराजा महारानी किसने बनाया? And who made them the world emperor and empress? इस विश्व में ऊंच के ऊंच पद तो हुआ महाराजा महारानी। The highest position in this world is of the emperor and the empress. जो पहला पहला जन्म है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म। In the first birth, the most elevated birth. इसलिए ऊंचते ऊंच पद है। It is the highest position because ये ऊंचते ऊंच बाप से पढ़ाई पढ़ करके ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। They study from the highest father and achieve the highest position. ऐसा पद पाते हैं जिनकी दुनिया में कोई भी ग्लानी नहीं। They
achieved such position that they are not defamed in the world at all. Baki har manushya matra ki glani hai. All the other human beings are defamed. Lekin Narayan ki koi glani nahi hai. But there is no defamation of Narayan. To aisa unche unche paatdhari kisne banaya? So, who made him such highest actor? Parampita Paramatma ne banaya. The Supreme Father, Supreme Soul has made him so. Aur yeh koi badi baat nahi hai. And this is not a great thing. पढ़ाई पढ़ करके ऊंचे से ऊंच विश्व महाराजन का पद पाना बड़ी बात है. इज इट अ ग्रेट थिंग टू स्टडी एंड अटेन द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अ वर्ल्ड एम्परर दैट इज विश्व महाराजन. या विश्व महाराजन बनाना बड़ी बात है. और इज इट अ ग्रेटर थिंग टू मेक समवन अ वर्ल्ड एम्परर. बनाना बड़ी बात है. इज इट ग्रेट टू मेक समवन अ वर्ल्ड एम्परर. क्या बड़ी बात है. विच इज द ग्रेटर थिंग. बनाना बड़ी बात है. सबको बनाए. इफ मेकिंग समवन अ वर्ल्ड एम्परर इज अ ग्रेटर थिंग देन ही शुड मेक एवरीवन सो. सबको बनाता है क्या. डज ही मेक एवरीवन सो. है सबको तो बना ही नहीं सकता. ही सर्टनली कैन नॉट मेक एवरीवन सो. तो फिर बनना बड़ी बात है या बनाना बड़ी बात है. देन इज इट अ ग्रेट थिंग टू बिकम सो और इज इट अ ग्रेटर थिंग टू मेक समवन सो. है मेहनत काय में है. समवन सेड इट इज अ ग्रेटर थिंग टू बिकम. यस इन व्हाट इज एफर्ट इन्वॉल्व्ड. बनने में पढ़ाई पढ़ करके ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने में मेहनत है. एफर्ट इज इन्वॉल्व्ड इन बिकमिंग सो. एफर्ट इज इन्वॉल्व्ड इन स्टडिंग द नॉलेज एंड बिकमिंग लक्ष्मी नारायण लाइक दीज वंस. बाकी शिव बाप को पढ़ाई पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं होती है. एज फॉर द रेस्ट द फादर शिव डजंट फील एनी एफर्ट इन टीचिंग नॉलेज. मेहनत उनको होती है जो देह अभिमान में होते हैं. है Those who are body conscious feel effort. अगर आत्मा अभिमान में हो. If you are soul conscious. तो बाबा कहते हैं आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाए दौड़ते हुए. मेहनत अनुभव नहीं होगी. Then Baba says walk or run from Abu Road to Mount Abu. You will not feel any effort. और शिव बाप को तो देह का कोई भान है ही नहीं. And the father Shiv has no body consciousness at all. तो उनको ये पढ़ाई पढ़ाना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है. सो इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर हिम टू टीच द नॉलेज. हाँ उनकी बढ़ाई है. यस देयर इज हिज ग्रेटनेस. यह बढ़ाई है कि और धर्म पिताएं ऐसी पढ़ाई पढ़ा करके ऊंचते ऊंच नंबरवार देवी देवताएं नहीं बना सकते मनुष्य को. हिज ग्रेटनेस इज दैट द अदर रिलीजियस फादर्स कैनॉट टीच such studies and make the human beings into number wise elevated devi devtae that is female and male deities. Aur baap aakar tum bachchon ko padhate hain. And the father comes and teaches you children. Aur aisa rajyog sikhate bhi hain. He also teaches you such rajyog jo tum janm janmantar ke rajaye bante ho. Through which you become kings birth after birth. तो बढ़ाई तो है. सो इट इज सर्टेनली हिज ग्रेटनेस. परंतु है कितना सहज. बट इट इज सो इजी. उनको कहा जाता है राजयोग. इट इज कॉल्ड राजयोग. सहज राजयोग या कठिन राजयोग. इज इट इजी राजयोग और डिफिकल्ट राजयोग. है तो सहज ते सहज. स्टूडेंट्स सेड इजी राजयोग. इट इज इंडीड वेरी इजी. परंतु फिर कठिन क्यों भासता है. बट वाई डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट. है समवन सेड समथिंग. हाँ जो मुख्य श्रीमत है अपन को आत्मा समझे मुझे बाप को याद करो पवित्र रहो
उसमें माया बिघन डालती है। यस, माया क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ फॉलोइंग द इम्पोर्टेंट श्रीमत टू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर मी द फादर टू रिमेन प्योर। ये तो जानते हो कि बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। यू नो दैट वी बिकम सतो प्रधान दैट इज कंसिस्टिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्यूरिटी बाय रिमेम्बरिंग द फादर। बाप क्या है? व्हाट इज द फादर? बाप तो कहा ही जाता है सत्य चित्त आनंद। द फादर इज इंडीड कॉल्ड सत्य चित्त आनंद दैट इज ट्रू लविंग ब्लिसफुल। सत्यता का सागर माने ज्ञान का सागर। ही इज द ओशन ऑफ ट्रूथ मीनिंग ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज। सत्य किसे कहा जाता है? व्हाट इज ट्रूथ? ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है। नॉलेज इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रूथ। चैतन्यता का सागर। ही इज द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और आनंद का सागर। एंड द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। बोला उसकी याद करने से हम सत्य ही बनेंगे ना। सो इट वॉज सेड बाय रिमेम्बरिंग हिम वी विल नेचुरली बिकम ट्रूथफुल वोंट वी। रावण और रावण संप्रदाय को याद करेंगे तो व्हाट इफ वी रिमेम्बर रावण एंड द कम्युनिटी ऑफ रावण? तो तमो प्रधान बनेंगे। देन वी विल बिकम तमो प्रधान दैट इज द वन डोमिनेटेड बाय डार्कनेस और इग्नोरेंस। तो बाप तो है ही सतो प्रधान। सो द फादर इज इंडीड सतो प्रधान। कि चार अवस्थाओं से पसार होता है। और डज ही पास थ्रू फोर स्टेजेस? है बाप तो जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप है। द फादर द सुप्रीम सोल फादर हु इज द फादर ऑफ द सोल्स वो कभी चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता। ही नेवर पासेस थ्रू फोर स्टेजेस। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। पीपल प्रेज हिम सो मच। भक्ति मार्ग में कितना फल फूल दूध आदि चढ़ाते हैं। ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन दे ऑफर सो मेनी फ्रूट्स फ्लावर्स मिल्क एक्सेट्रा। समझ तो कुछ भी नहीं थी। दे डिडंट हैव एनी नॉलेज दैट इज समझ एट ऑल। किस बात की? ऑफ व्हाट? है ये फूल चढ़ाने का क्या मतलब है? व्हाट ऑफरिंग फ्लावर्स मेंट? है भक्ति मार्ग में जो फूल चढ़ाते हैं द फ्लावर्स दैट आर ऑफर्ड ऑन द पाथ ऑफ भक्ति डिवोशन कहाँ की यादगार है? इट इज अ मेमोरियल ऑफ व्हेन समवन सेड द कॉन्फ्लुएंस एज। संगम युग में कोई फूल चढ़ाता है? डस एनीवन ऑफर फ्लावर्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज? यहाँ तो है नहीं कोई फूल। हियर देयर आरंट एनी फ्लावर्स। है फूल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर? फूल का मतलब है हल्के फुलके रह करके पुरुषार्थ करने वाले। द मीनिंग ऑफ फ्लावर इज द वन हु डस पुरुषार्थ दैट इज स्पिरिचुअल एफर्ट रिमेनिंग लाइट दैट इज हल्के फुलके। जिनको कोई भी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं होना चाहिए। दे शुडंट फील एनी काइंड ऑफ ट्रबल। फूल कैसा होता है? व्हाट इज अ फ्लावर लाइक? हल्का फुल्का होता है। इट इज वेरी लाइट। हाँ कोई फूल ज्यादा खुशबू वाला होता है कोई फूल कम खुशबू वाला होता है कोई फिर बदबू वाला भी होता है। यस सम फ्लावर्स हैव मोर फ्रेग्रेंस एंड सम हैव लेस फ्रेग्रेंस एंड सम हैव अ बैड ओडर टू। बाकी फूलों में हल्कापन तो जरूर होता है। एज रिगार्ड्स लाइटनेस इट इज सर्टेनली देयर इन एवरी फ्लावर। वो हल्कापन देवहन के कारण होता है। इज दैट लाइटनेस ड्यू टू बॉडी कॉन्शियसनेस या प्योरिटी के कारण होता है? और ड्यू टू प्योरिटी? प्योरिटी के कारण होता है। इट इज ड्यू टू प्योरिटी। और वो प्योरिटी कुमारों में ज्यादा होती है अधर कुमारों में ज्यादा होती है अधर कुमारियों में ज्यादा होती है किस में ज्यादा होती है? एंड इज दैट प्योरिटी मोर इन द कुमार्स दैट इज बैचलर्स अधर कुमार्स दैट इज मैरिड मेन और अधर कुमारीज मैरिड वुमेन हु हैज इट मोर। है समवन सेड कुमारीज कुमारियों में प्योरिटी ज्यादा होती है। कुमारीज दैट इज वर्जिन्स हैव मोर प्योरिटी।
उस प्योरिटी के आधार पर, बेस्ड ऑन दैट प्योरिटी, उनको फूल कहा जाता है, दे आर कॉल्ड फ्लावर्स। और वो फूल भी नंबर वार हैं। एंड दोज फ्लावर्स आर ऑल्सो नंबर वाइज रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्योरिटी। क्या वॉट? ऐसे नहीं कि शिव के ऊपर बहुत बहुत खुशबूदार फूल ही चढ़ाए जाते हों। इट इज नॉट सो दैट ओनली द मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आर ऑफर्ड टू शिव। गुलाब के फूल ही चढ़ाए जाते हों, रूहे गुलाब। दैट ओनली द रोज फ्लावर्स रूहे गुलाब आर ऑफर्ड टू हिम। या किंग फ्लावर कमल फूल ही चढ़ाया जाता हो। और ओनली द किंग फ्लावर्स लोटसेस आर ऑफर्ड टू हिम। दोनों में अंतर क्या है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? किंग फ्लावर कहा जाता है, द वन दैट इज कॉल्ड द किंग फ्लावर, वो एक महीने तक यूं ही रखा रहने दो। कीप इट असाइड सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट फॉर अ मंथ। कुमलाएगा? विल इट विल्ट? कुमलाएगा नहीं। इट विल नॉट विल्ट। और गुलाब का फूल? एंड वॉट अबाउट द रोज? है गुलाब का फूल तो डाली चाहिए। द रोज नीड्स इट्स स्टेम। उसको वातावरण चाहिए। इट नीड्स प्रॉपर कंडीशंस टू सर्वाइव। लेकिन वो सुगंध जो गुलाब के फूल में होती है, रूहे गुलाब में, बट द फ्रेग्रेंस दैट इज प्रेजेंट इन द रोज इन रूहे गुलाब, वो सुगंध कमल के फूल में होती नहीं। इज नॉट प्रेजेंट इन द लोटस फ्लावर। कमल के फूल में सुगंध होती है क्या? इज देयर एनी फ्रेग्रेंस इन द लोटस फ्लावर? कोई तरह की सुगंध है? कोई तरह की सुगंध नहीं होती। इट डजंट हैव एनी फ्रेग्रेंस। बाकी है बड़ा फूल। एज फॉर द रेस्ट इट इज अ बिग फ्लावर। फूलों में जितने भी फूल हैं उनमें बड़ा फूल है। अमंग ऑल द फ्लावर्स देयर आर इट इज अ बिग फ्लावर। ऐसे ही दूध चढ़ाते हैं। सिमिलरली दे ऑफर मिल्क। यहाँ तो कोई दूध नहीं चढ़ाता। इन फैक्ट नो वन ऑफर्स मिल्क हियर। है कहाँ की यादगार है? When is it a memorial of? है तो यहीं की यादगार। It is certainly a memorial of here. यादगार है? It is a memorial. क्या यादगार है? What is the memorial? सच्चा जो बाबा बताता बच्चे स्वीकार करते हैं। सच्चा जो बाबा बताता बच्चे स्वीकार करते हैं। Someone said, whatever truth the father says, the children accept it. चाहने की बात है, स्वीकार करने की बात नहीं। It is about offering. It is not about accepting. भक्ति मार्ग में क्या करते थे? What did you do on the path of bhakti? शिव के ऊपर दूध चढ़ाते थे। You used to offer milk to Shiv. क्या मतलब? What does it mean? बाबा के साथ सच्चाई सफाई से रहना। Someone said, it is about being truthful to the father. अरे रहना बात अलग, चढ़ाना बात अलग। अरे being truthful is different and offering milk is different. सच्ची बनकर चढ़ना। Someone said, to be truthful. अरे जरूर है। भक्ति मार्ग में जिसे लिंग कहा जाता है, द थिंग विच इज कॉल्ड लिंग इन द पाथ ऑफ भक्ति, उस लिंग का अर्थ भक्ति मार्ग वाले जानते नहीं है। द पीपल इन द पाथ ऑफ भक्ति सर्टेनली डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द लिंग। Oblong, often black stone worshipped all over India, considered to be the symbol of Shiv. क्या अर्थ है उसका? What is its meaning? है? वो नहीं जानते हैं कि ये लिंग आत्मा अलग है। They don't know that the soul shown in the form of the ling is separate. और उसमें ज्योति बिंदु अलग है। And the point of light on it is separate. जो लिंग है वो सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होता है। द लिंग बिकम्स सतो प्रधान सतो सामान्य रजो एंड तमो। सतो सामान्य वेयर देयर इज ऑर्डिनरी गुडनेस एंड प्यूरिटी। रजो डोमिनेटेड बाय द क्वालिटी ऑफ एक्टिविटी और पैशन। तमो डोमिनेटेड बाय डार्कनेस और इग्नोरेंस। लेकिन जो बिंदु है वो सदैव सदैव सतो प्रधान है। बट द पॉइंट इज ऑलवेज सतो प्रधान। तो जो दूध चढ़ाया जाता है, सो द मिल्क दैट इज ऑफर्ड, वो बिंदु पर चढ़ाते हैं या लिंग पर चढ़ाते हैं? इज इट ऑफर्ड टू द पॉइंट और इज इट ऑफर्ड टू द लिंग? लिंग पर दूध चढ़ाते हैं। द मिल्क इज ऑफर्ड टू द लिंग। जरूर
ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई ऐसा तबका भी है? देयर इज सर्टेनली वन सच कैटेगरी ऑल्सो अमंग द ब्रह्मा कुमार्स एंड ब्रह्मा कुमारीज, जो आदि से अंत तक पुरुषार्थी जीवन में भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाला है। हु फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड थ्रू आउट देयर पुरुषार्थी लाइफ। क्या? वॉट? भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाला है। इट फॉलोज द पाथ ऑफ भक्ति। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो वो ज्योति बिंदु क्या परम नाम चला जाता है? Does the point of light go back to the supreme abode when Brahma Baba leaves his body? Students, no. इसी शक्ति पर कोई न कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। It enters some permanent chariot in this very world and plays its part. और जिस रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है and the chariot in which it enters and plays its part, वो प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज को धारण करने वाला निराकार लिंग के रूप में दिखाया जाता है। इज शोन एज द इनकॉर्पोरियल लिंग विच एसिमिलेट्स द इनकॉर्पोरियल स्टेज इन प्रैक्टिस। लिंग को हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं क्या? डज द लिंग हैव हैंड्स लेग्स नोज आईज एंड ईयर्स? नहीं होते। इट डजंट हैव देम। लेकिन बिंदु छोटा होता है और लिंग बड़ा। लिंग बड़ा होता है। हाउएवर द पॉइंट इज स्मॉल एंड द लिंग इज बिग। तो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, सो दोज सो कॉल्ड ब्रह्मा कुमार्स एंड कुमारीज, वो लिंग रूप चैतन्य स्वरूप जिसमें शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसको भी ज्ञान सुनाते हैं। Narrate knowledge even to that ling form, the sentient form, Chaitanya Swarup, in which Shiv enters in a permanent way. दूध डालते हैं कि नहीं? Do they offer milk or not? ज्ञान का दूध डालते हैं? Do they offer the milk of knowledge? है? दूध डालते हैं। They offer milk. और मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जो दूध डाला जाता है वो प्योर दूध कम डालते हैं। And the milk which is poured on the Shivling in temples is less pure. उसमें पानी ज्यादा डालते हैं। They mix more water in it. तो कहाँ की यादगार? It is a memorial of when? संगम युग में जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है। In the confluence age, the permanent chariot in which the supreme soul enters and plays its part, उसको भी ज्ञान जल चढ़ाते हैं। They offer the water of knowledge to even that one. कौन? Who offer? भक्त ब्रह्मा कुमार जो बाप को पहचान नहीं पाते। स्टूडेंट्स, ब्रह्मा कुमार, दे आर द ब्रह्मा कुमार डिवोटीज हु आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द फादर। तो भक्ति मार्ग में कितना फल फूल दूध आदि चढ़ाते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। सो ऑन द पाथ ऑफ भक्ति दे यूज टू ऑफर सो मेनी फ्रूट्स फ्लावर्स मिल्क एटसेट्रा। They didn't have any knowledge at all. देवताओं को पूजते थे। They used to worship deities. समझ तो कुछ भी नहीं थी। They didn't have any knowledge at all. शिव को भी पूजते थे। They used to worship Shiv. और देवताओं को भी पूजते थे। अंतर क्या? As well as deities. What is the difference? पूजा तो दोनों की करते थे, फिर अंतर क्या? They used to worship both. Then what is the difference? कोई अंतर नहीं। Is there no difference? Someone said the ling of Shiv is. हाँ. Yes. शिव का सिर्फ लिंग पूजते थे। They used to worship only the ling of Shiv. और देवताओं का लिंग नहीं पूजते थे। They didn't used to worship the ling of the deities. वो सतोप्रधान स्टेज में 100% नहीं स्टेज पकड़ता है। They, that is the deities, don't attain the 100% सतोप्रधान स्टेज। वो जो देवताएं होते हैं उनका लिंग नहीं पूजा जाता, क्यों? The ling of the deities is not worshipped. Why? क्यों नहीं पूजा जाता? Why it is not worshipped? क्योंकि जो देवताएं होते हैं वो कोई भी देवता काम विकार के ऊपर वो स्टेज प्राप्त नहीं कर सकता जो शंकर के लिए गाई हुई है।
बिकॉज अमंग द डीटीज नो डीटी कैन अटेन सच अ स्टेज विच इज प्रेस्ड फॉर शंकर विथ रिगार्ड टू लस्ट इट इज काम विकार. क्या है, क्या गाई हुई है? वॉट इज प्रेस्ड फॉर शंकर? कामदेव को भस्म ही कर दिया. ही कम्प्लीटली बर्न्ड कामदेव द डीटी ऑफ लस्ट टू एशेस. वो स्टेज कोई भी देवता प्राप्त नहीं कर पाता. नो डीटी इज एबल टू अटेन दैट स्टेज. तो लिंग को पूजते रहते हैं, देवताओं की मूर्तियों को पूजते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं थी. सो दे कीप वर्शिपिंग द लिंग, दे कीप वर्शिपिंग द आइडल्स ऑफ डीटीज, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. अभी तो तुमको समझ मिली है. नाउ यू हैव रिसीव्ड द अंडरस्टैंडिंग. नहीं तो सोचना चाहिए. अदरवाइज यू शुड थिंक. उन देवताओं ने क्या किया? वॉट डिड दोज डीटीज डू? जो फूल दूध आदि चढ़ाते हैं. दैट दे आर ऑफर्ड फ्लावर्स मिल्क एटसेट्रा. कुछ तो किया होगा. दे मस्ट हैव डन समथिंग. और उस शिव ने क्या कर्तव्य किया? एंड वॉट टास्क डिड शिव डू? जो मंदिर में शिव की पूजा करते हैं. दैट ही इज वर्शिप्ड इन टेम्पल्स. और देवताओं की तो कम पूजा होती है. नंबर वार द डीटीज आर वर्शिप्ड लेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक. शिवलिंग की तो कितनी पूजा करते हैं. द शिवलिंग इज वर्शिप्ड सो मच. देश देशांतर में, गांव गांव में, विदेशों में भी लिंग की पूजा करते हैं. द लिंग इज वर्शिप्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इन वेरियस विलेजेस इवन इन फॉरेन कंट्रीज. इतना पूजते हो. यू वर्शिप इट सो मच. देवताओं की पूजा का तो फिर भी मालूम है, क्योंकि देवताएं स्वर्ग के मालिक थे. नंदलेस यू नो अबाउट वर्शिपिंग डीटीज बिकॉज डीटीज वर द मास्टर्स ऑफ हेवन. तो स्वर्ग को तो सब मानते हैं. एंड एवरीवन बिलीव्स इन हेवन. हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते, क्रिश्चियन भी मानते हैं. हिंदूज मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस बिलीव इन इट. वो देवताएं तो स्वर्ग के मालिक थे. दोज डीटीज वर द मास्टर्स ऑफ हेवन. इसलिए उनकी पूजा करते हैं. दैट इज वाई दे आर वर्शिप्ड. परंतु उन्हों को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? बट हु मेड देम द मास्टर्स ऑफ हेवन? ये नहीं जानते. दे डोंट नो दिस. पूजा भी शिव की करते हैं. दे डू वर्शिप शिव. लेकिन ये ख्याल में नहीं आता. बट इट डजंट कम इन देयर थॉट्स कि जिसकी हम पूजा करते हैं शिव के मंदिर में, ये भगवान का रूप है. दैट द वन हुम दे वर्शिप इन द टेम्पल ऑफ शिव ही इज द फॉर्म ऑफ गॉड. अरे अब भगवान के रूप और देवताओं के रूप में क्या अंतर पड़ गया? अरे Now what is the difference between the form of God and the form of deities? भक्ति मार्ग में तो पहचानना चाहिए, लेकिन नहीं पहचानते क्योंकि ज्ञान नहीं होता. In the path of bhakti, they should recognize this, but they don't because they don't have the knowledge. अभी तो ज्ञान है. Now you have knowledge. ज्ञान है तो मालूम होना चाहिए. When you have the knowledge, you should know. क्या अंतर है? What is the difference? है? अरे पूजा शिव की भी करते हैं मंदिर में. अरे शिव इज ऑल्सो वर्शिप्ड इन टेम्पल्स. देवताओं की भी पूजा देवताओं के मंदिर में करते हैं. एंड द डीटीज आर ऑल्सो वर्शिप्ड इन द टेम्पल्स ऑफ डीटीज. परंतु शिव के मंदिर में जो पूजा करते हैं वो में ख्याल नहीं आता किसी को ये भगवान है. बट द आइडिया दैट दिस वन इज गॉड डजंट कम इन द इंटेलेक्ट ऑफ एनी वन हु वर्शिप इन द टेम्पल ऑफ शिव. ये किसी की बुद्धि में भी नहीं आता होगा. दिस में नॉट कम इवन इन द इंटेलेक्ट ऑफ एनी वन. इन देवताओं को किसने ऐसा बनाया? हु मेड द डीटीज लाइक वॉट दे आर? देवताओं पर, शिवलिंग पर फल फूल चढ़ाते हैं. फ्रूट्स फ्लावर्स आर ऑफर्ड टू द डीटीज एंड द शिवलिंग. कितनी भक्ति करते हैं. दे डू सो मच भक्ति दैट इज डिवोशन. परंतु भक्ति करने वाले सब अनजान. बट ऑल दोज हु डू भक्ति आर अनअवेयर. बिना जाने ही भक्ति करते रहते हैं. दे कीप डूइंग भक्ति विदाउट नोइंग एनीथिंग. तुम में से भी बहुतों ने
इस जन्म में शिव की पूजा की होगी. इवन अमंग यू मैनी मस्ट हैव वर्शिप्ड शिव इन दिस बर्थ. क्या वॉट हो सकता कोई ने नबी की हो. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम मे नॉट हैव वर्शिप्ड हिम. लेकिन बहुतों ने शिव की पूजा की होगी. बट मैनी माइट हैव वर्शिप्ड शिव. अभी तुम समझते हो. नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब हम पूजते थे तब तो कुछ नहीं जानते थे. When we used to worship him, we didn't know anything. है? और अभी? And now? अभी तो बहुत कुछ जानते हैं. Now you know a lot of things. जानते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है. You know what his occupation is. वो क्या सुख देते हैं. What happiness he gives. भक्ति मार्ग में तो कुछ भी पता नहीं था. You didn't know anything on the path of bhakti. कि क्या ये देवताएं सुख देते हैं. Do these deities give happiness? है? देवताएं सुख देते हैं या भगवान सुख देता है. Do deities give happiness or does God give happiness? भगवान सुख देने वाला है सुख दाता है. It is God who gives happiness. He is the giver of happiness. देवताएं जब द्वापर वो सतयुग त्रेता में थे. When deities were in the golden age and the silver age. तो वहाँ कोई सुख देने की बात है ही नहीं क्योंकि वहाँ दुखी भी कोई नहीं होता था. There was no question of giving happiness at all there as no one was sorrowful there. सुखी ही सुखी सब थे. Everyone was happy. ये तो जानते हो कि भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं. You know that though the king and queen give happiness to the subjects. परंतु उन राजा रानियों को ऐसा बनाया किसने. But who made them into such kings and queens? बहुत से राजाएं प्रजा को कितना सुख देते हैं. Many kings give a lot of happiness to the subjects. ऐसे सुखदाई राजाएं किसने बनाया. Who made such kings who gave happiness? वो संस्कार उन्होंने कहाँ से भरे. From where did they fill such संस्कार in them? शिव बाबा ने बनाया. शिव बाबा मेड देम सो. तो बलिहारी उन्हीं की है. Therefore, the glory is of that one. किनकी. शिव बाबा की. Whose? शिव बाबा's. ये नहीं कहा बलिहारी मेरी है. It wasn't said that the glory is mine. बलियारी किसकी है. Or that the glory is of this one. किसकी. Whose. Someone said of Shiv Baba. नहीं. No. ब्रह्मा. Of Brahma. ये भी नहीं कहा. He didn't say so either. क्योंकि ब्रह्मा ने तो बनाया नहीं. Because Brahma didn't make them so. तो पहले ही से नहीं छोड़ गए. He left his body already. और मेरी है ये भी नहीं कहा. And he didn't say it is mine either. मेरी कहें तो बाप की बात हो जाती है आत्माओं का बाप. If he said mine, then it would mean for the father of the souls. तो बाप तो अकेला कुछ करता ही नहीं. The father doesn't do anything alone. तो बोला बलिहारी उनकी है. So it was said the glory is of that one. कब की वाणी है. This vani is of which time? 68 की वाणी है. उनकी कह के दूर क्यों किया. The vani is of 1968. Why did he make him far away by saying that one? है? क्योंकि भविष्य में आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया. He hinted at the part which is to be played in future. कि बलिहारी उनकी है. Saying the glory is of that one. न मेरी है न बलिहारी इनकी है. The glory is neither mine nor it is of this one. ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं. दिस वन जस्ट रूल्स. क्या वॉट यह है. यह क्या करते हैं. दिस वन वॉट डज दिस वन डू. ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं. दिस वन जस्ट रूल्स. प्रजा भी बन जाते हैं. ही बिकम्स अ सब्जेक्ट एज वेल. कौन. हू. ब्रह्मा बाबा प्रजा भी बन जाते हैं और राजाई भी करते हैं. ब्रह्मा बाबा बिकम्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज ही रूल्स. बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं. एज फॉर द रेस्ट दिस वन डजंट ब्रिंग बेनिफिट टू एनी वन. है. ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्याण नहीं करते. डजंट ही ब्रिंग बेनिफिट टू द ब्रह्मा कुमार कुमारीज. चलो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्याण नहीं करते. ऑल राइट
ही डजंट ब्रिंग बेनिफिट टू द प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीज. ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्याण करते हैं या नहीं? डज ही ब्रिंग बेनिफिट टू द ब्रह्मा कुमार कुमारीज और नॉट? नहीं. अब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता ही नहीं है. ब्रह्मा कुमार कुमारीज डोंट नो एट ऑल. क्या? वॉट? क्या सत्युग में हमारा क्या पद होगा? वॉट पोजिशन दे विल अचीव इन द गोल्डन एज? कौन सा पद मान मर्तबा हमको मिलने वाला है? विच पोजिशन रिस्पेक्ट वैल्यू दे आर गोइंग टू अचीव? तो ये है, कोई का कल्याण नहीं करते हैं. सो दिस वन डजंट ब्रिंग बेनिफिट टू एनीवन. अगर करते भी हैं, इवन इफ ही ब्रिंग्स बेनिफिट, तो अल्पकाल के लिए करते हैं. ही ब्रिंग्स इट टेम्पररीली. 21 जन्मों के लिए नहीं करते, क्योंकि 21 जन्मों का तो ज्ञान ही नहीं हो पाता है. He doesn't bring benefit for 21 births because he doesn't have the knowledge of the 21 births at all. अभी तुम बच्चों को बाप बैठे पढ़ाते. Now the father sits and teaches you children. बुद्धि में ये ना आ जाए. This shouldn't come in the intellect. कि चंद्रमा मस्तक पे दिखाया जाता है. That when the moon is shown on the head of Shankar. तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल पढ़ाती होगी. The soul of Brahma, who is the moon of knowledge, might be teaching. नहीं. No. कौन पढ़ाते हैं? बाप. बाप पढ़ाते हैं. उनको कहा जाता है कल्याणकारी. Who teaches? Students. The father. The father teaches. That one is called benevolent. तो यहाँ तो कह देते मेरे को कहा जाता है कल्याणकारी. So here he could have said, I am called benevolent. उनको क्यों कहा? Why did he say that one? Someone said, it is said for the part of the beginning, it is for the part of the father. नहीं. No. Part तो है, वो तो शिव बाबा हो गया. It is his part. He is शिव बाबा. यहाँ तो बाप की बात है. Here it is about the father. बाप बैठे पढ़ाते हैं. The father sits and teaches. और पढ़ाएंगे तो जरूर मुख से पढ़ाना पड़ेगा ना. And when he teaches, he will definitely have to teach through a mouth, won't he? साकारी हुआ ना. So he is indeed corporeal, isn't he? उनको कहा जाता है कल्याणकारी. That one is called beneficial. तो बाप अपना परिचय बैठ देते हैं. So the father sits and gives his introduction. उनका परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता. No other person can give his introduction. और ऐसे ही नहीं कि बिना प्रवेश किए बिंदु रूप में कोई परिचय दे देते हो. Moreover, it is not so that he gives his introduction in his point form without entering anyone. या ब्रह्मा में प्रवेश करके अपना परिचय दे देते हो. Or that he enters Brahma and gives his introduction. ब्रह्मा में प्रवेश करके जो भी सुनाया गया. Whatever was narrated after entering Brahma. ब्रह्मा को पाप का परिचय मिला? Did Brahma receive the introduction of the father? नहीं मिला. He didn't. जब ब्रह्मा को ही पाप का परिचय नहीं मिला तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी परिचय कैसे मिल सकता? When Brahma himself didn't receive the introduction of the father, how can the Brahma Kumar Kumaris receive the introduction? तो बाप बाप के रूप में खुद बैठ. So the father himself sits in the form of the father. बैठ माना कोई शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके बैठ करके अपना परिचय देते हैं. Sits means he enters some chariot like body. He sits in it and gives his introduction. मेरी तुम पूजा करते थे ना लिंग की. You used to worship me, my ling, didn't you? है? मेरी ये कहने वाला कौन? Who is the one who said my? लिंग या बिंदु? Is it ling or the point? है? बोला तो बिंदु ने, सुप्रीम सोल ने. It was the point who said it, the supreme soul. मेरी तुम पूजा करते थे. You used to worship me. बाद में लगा दिया लिंग की पूजा करते थे. Later he added, you used to worship the ling. क्योंकि बिंदी की तो पूजा होती नहीं है. Because a point is not worshipped. और उनको कहते थे परमात्मा. And you used to call that one the supreme soul, परमात्मा. किनको? Who? जिसकी पूजा करते थे उसको कहते थे परमात्मा. The one whom you worshipped, you used to call him the supreme soul.
कैसी आत्मा? What kind of a soul? Everyone said the supreme soul. छोटी मोटी आत्मा नहीं. It is not an ordinary soul. परम माना? परम पार्टधारी. Supreme means the supreme actor. परम आत्मा सो परमात्मा हो जाता है. Supreme soul, परम आत्मा becomes the supreme soul, परमात्मा. Clarify करके समझाया. He explained it by clarifying it. ऐसा क्यों कहा जाता है परम पिता परमात्मा? Why is it said supreme father, supreme soul? Someone said it is said for two souls. परम पिता पहले फिर परमात्मा. The supreme father is first and then it is the supreme soul. शिव शंकर. शिव शंकर. शिव का नाम पहले शंकर का नाम बाद. शंकर शिव क्यों नहीं कहते? The name of Shiv is first and the name of Shankar is afterwards. Why don't they say Shankar Shiv? क्यों नहीं कहते? पहले बाप फिर बच्चा. Why don't they? First is the father, then is the son. तो ऐसे ही परम पिता और परमात्मा. So similarly, the supreme father and the supreme soul. तो बताया कि परमात्मा सो परमात्मा हो जाता है. So it was said, supreme soul becomes the supreme soul. परंतु ये नहीं जानते हैं. But they don't know. कि यह क्या करते हैं. What he does. है? अभी जानते हैं. Do they know now? नहीं. Someone said no. अभी नहीं जानते. Don't they know now? ब्राह्मण बच्चे. The Brahmin children. है? वो जैसे ब्राह्मण बच्चे वो जानते हैं. Someone said the Brahmin children do know. जानते हैं. Do they know? अनिश्चित नहीं आता. They don't lose faith. Do they? Someone said no. देखो खोद खोद के. Look carefully. खोद खोद के थोड़ा देखो उनके पार्ट पर निश्चय आता है अनिश्चय आता है या नहीं आता है. Look a bit carefully. Do they have faith on his part? Do they lose faith or do they not? अरे अनिश्चय आता है कि नहीं आता है. अरे Do you lose faith or not? हाँ? अतः चुप हो गए? Now you have become quiet. अनिश्चय बाबा नहीं आता. Someone said, Baba, I don't become faithless. हाँ, क्या आता है? Okay, what do you become then? निश्चय. Someone said, I become the one with faith. चलो एक बच्चा निकला तो 500 करोड़ में से. All right, at least one child has come out of 5 billion souls. जिसको अनिश्चय आता ही नहीं है. Who doesn't lose faith at all. है जन्म मरण के चक्कर से छूट गया. He has become free from the cycle of birth and death. है ना? Haven't you? है? अनिश्चय नहीं पैदा. है? अनिश्चय नहीं पैदा. Someone said, I don't lose faith. अनिश्चय नहीं पैदा होता. अच्छा. Don't you lose faith? अच्छा. तो बस सिर्फ ये कह देंगे. So they will just say this. ये तो नहीं जानते क्या करते हैं. They don't know what he does. भक्ति मार्ग में सिर्फ ये कह देंगे. On the path of devotion, they will just say, he is omnipresent. एक व्यापी है ये बात तो बुद्धि में बैठती ही नहीं. He is present in one, एक व्यापी, this doesn't sit in their intellect at all. क्या कह देते हैं? What do they say? सर्वव्यापी है. He is omnipresent. नाम रूप से न्यारा है. He is beyond name and form. नाम भी नहीं दे सकते. We can't tell you his name. और उसका रूप भी नहीं दे सकते. We can't say anything about his form either. फिर स्थान एड्रेस वगैरह तो बताने की बात ही. So there is no question of saying anything about his place, address and so on at all. नाम रूप से न्यारा है. He is beyond name and form. जब नाम रूप से ही न्यारा है. When he is beyond name and form. तो उस पर फल फूल दूध आदि चढ़ाना तो शोभता नहीं है. It is not appropriate to offer him fruits, flowers, milk and so on. किस पर चढ़ाते हो? To whom do they offer those things? आकार है. He has some form. कोई न कोई साकार रूप है. He has some corporeal form or the other. तब तो चढ़ाते हैं ना. That is why they offer those things, don't they? उनको निराकार तो कह नहीं सकते जिन पर फल फूल दूध आदि चढ़ाते हैं. The one to whom they offer fruits, flowers, milk, etc. cannot be called incorporeal. चढ़ाते हैं इसका मतलब कुछ न कुछ है जरूर.
ही इज ऑफर्ड दीज थिंग्स इट मीन्स दैट ही इज सर्टनली समथिंग। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर्ग्यू अलॉट विथ यू। से निराकार की साकार की बात को लेकर के दे आर्ग्यू अलॉट ओवर द टॉपिक ऑफ द इनकॉर्पोरियल एंड द कॉर्पोरियल। बहुत आर्ग्यू करते हैं। बाबा के पास भी आकर के आर्ग्यू करेंगे निराकार साकार का। दे विल कम एंड आर्ग्यू विथ बाबा एज वेल ओवर द टॉपिक ऑफ द इनकॉर्पोरियल एंड द कॉर्पोरियल। फालतू माथा खपा रहे। दे विल रैक देयर ब्रेन्स अननेसेसरीली। फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। देयर विल बी नो बेनिफिट फ्रॉम इट। अरे अरे क्यों? व्हाई? ऐसे क्यों कह दिया? व्हाई डिड ही से सो? कि बाबा के पास आकर के आर्ग्यू करेंगे। दैट दे विल कम एंड आर्ग्यू विद बाबा। वो निराकार साकार की आर्ग्यू 68 के बाद ब्रह्मा बाबा से आकर के किसी ने की क्या? डिड समवन कम टू ब्रह्मा बाबा एंड आर्ग्यू अबाउट द इनकॉर्पोरियल एंड द कॉर्पोरियल आफ्टर 1968? समवन सेड नो दे माइट हैव डन इट बिफोर। पहले नहीं अभी करेंगे। बिफोर नो दे विल डू नाउ। समवन सेड ही हैज सेड दिस फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब आगे जो साकार पार्ट है बाबा का उससे भी आकर के बहुत आर्ग्यू करेंगे। इट मीन्स दैट द कॉर्पोरियल पार्ट ऑफ बाबा विच विल बी प्लेड लेटर ऑन पीपल विल कम एंड आर्ग्यू अलॉट विथ हिम अबाउट इट टू। लेकिन आर्ग्यू करने वालों को मिलने वाला कुछ भी नहीं। क्यों? बट दोज हू आर्ग्यू विल नॉट गेट एनीथिंग। व्हाई? तो बाबा तो गुप्त पार्ट बजा रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है? गुप्त पार्ट। बिकॉज इज बाबा प्लेइंग हिज पार्ट सीक्रेटली और ओपनली? गुप्त पार्ट बजा रहा है। ही इज प्लेइंग हिज पार्ट सीक्रेटली। वो तो कहते हैं ये तो हम भी खुद हम तो खुद ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। ही विल से आई माइसेल्फ एम सर्चिंग फॉर हिम वेयर इज ही। तो बाबा से आर्ग्यू करने से फायदा कुछ भी नहीं। सो देयर इज नो बेनिफिट इन आर्ग्यूइंग विद बाबा। फालतू माथा खपाएंगे। दे विल रैक देयर ब्रेन्स इन वेन। बाबा से आर्ग्यू कर करके उनका माथा फालतू खपेगा। दे विल रैक देयर ब्रेन अननेसेसरीली बाय आर्ग्यूइंग विद बाबा। तो यह समझाना तुम बच्चों का काम है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ यू चिल्ड्रेन टू एक्सप्लेन दिस। क्या? व्हाट? कि वो निराकार ज्योति बिंदु कैसे साकार है? हाउ दैट इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट इज कॉर्पोरियल। किस नाम से किस रूप से किस स्थान पर कहाँ कैसे पार्ट बजाता है? थ्रू विच नेम एंड फॉर्म इन विच प्लेस एंड इन व्हाट वे ही प्लेज हिज पार्ट। ये समझाना तुम बच्चों का काम है। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू चिल्ड्रेन टू एक्सप्लेन दिस। मेरा काम? माई टास्क इज नॉट दैट। मैं अपने आप बैठ अपना परिचय नहीं दूंगा। आई वॉन्ट सिट एंड गिव माई ओन इंट्रोडक्शन। किसी को पर्सनल बैठ करके मैं बताऊंगा कि मैं भगवान हूँ? विल आई सिट एंड टेल पर्सनली टू समवन दैट आई एम गॉड? जो भगवान होगा वो कोई को ये बताएगा बैठ करके कि मैं भगवान हूँ? विल द वन हु इज गॉड सिट एंड टेल एनीवन दैट ही इज गॉड? समवन सेड नो। भगवान होगा वो कहने से प्रत्यक्ष नहीं होगा। गॉड विल नॉट बी रिवील्ड बाय टेलिंग समवन दैट ही इज गॉड। समवन सेड ही विल बी रिवील्ड ऑटोमेटिकली। कथनी से प्रत्यक्ष होगा। विल ही बी रिवील्ड थ्रू स्पीच? या करनी से प्रत्यक्ष होगा? करनी से प्रत्यक्ष। और विल ही बी रिवील्ड थ्रू एक्शंस? करनी से प्रत्यक्ष होगा। ही विल बी रिवील्ड थ्रू एक्शंस। तो तुम्हारा भी माथा बैठ का पावेंगे। देयरफॉर दे विल मेक यू रैक योर ब्रेन्स एज वेल। क्या? व्हाट? ऐसे नहीं कि उन्होंने बाबा से माथा बैठ खपाई लिया तो तुमको छोड़ देंगे। इट इज नॉट सो दैट दे हैव रैक्ड देयर ब्रेन्स बाय आर्ग्यूइंग विद बाबा सो दे विल स्पेयर यू। तुम्हारे से भी बैठ माथा खपावेंगे। दे विल रैक देयर ब्रेन्स आर्ग्यूइंग विद यू एज वेल। तो बाबा को शांति आ गई। बाबा वॉज रिलीव्ड फेल्ट पीसफुल। हमारा तो माथा न खपावे। लेट देम नॉट मेक मी रैक माई ब्रेन्स। बच्चों का भला माथा खपावे लेकिन हमारा माथा हमारा तो माथा न खपावे। लेट देम मेक द चिल्ड्रेन रैक देयर ब्रेन्स बट लेट देम नॉट मेक मी रैक माई ब्रेन्स। बाबा के ध्यान में तो
ये माथा खपाने वाले सब रीढ़ बकरियां हैं। इन बाबास आइडिया ऑल दोज हु रैक देयर ब्रेन्स बाय आर्ग्यूइंग आर शीप एंड गोट्स। क्या? व्हाट? समवन सेड दे आर शीप एंड गोट्स। यस। भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जहाँ भेड़ बकरियाँ बहुत पाली जाती है? विच प्लेस इन इंडिया इज फेमस फॉर द फैक्ट दैट शीप एंड गोट्स आर रेड अ लॉट देयर? है राजस्थान में, खास अजमेर। समवन सेड राजस्थान, एस्पेशली अजमेर इन राजस्थान। वो तो भक्ति मार्ग का अजमेर है जहाँ मुसलमान लोग इकट्ठे होते हैं, मेला लगाते हैं। दैट अजमेर इज ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति वेयर मुस्लिम्स गैदर एंड ऑर्गेनाइज अ फेयर दैट इज मेला। मुसलमान लोग मिलन मेला मनाते हैं जाकर के। द मुस्लिम्स गो देयर एंड ऑर्गेनाइज अ मीटिंग अ फेयर मिलन मेला। रीढ़ बकरियों का वो देश है, इट इज द कंट्री ऑफ शीप एंड गोट्स, जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है और वहाँ रहने वाले पंडे पुजारी उनकी पूजा करते हैं। वेयर द आइडल ऑफ ब्रह्मा इज केप्ट एंड द गाइड्स एंड वर्शिपर्स लिविंग देयर वर्शिप इट। यादगार कहाँ की? व्हेन इज इट अ मेमोरियल ऑफ? समवन सेड द कॉन्फ्लुएंस एज। संगम युग में कहाँ की यादगार है? वेयर इज इट अ मेमोरियल ऑफ इन द कॉन्फ्लुएंस एज? अ स्टूडेंट अजमेर। जरूर माउंट आबू में ब्रह्मा की मूर्ति बना के रखी होगी मुसलमानों ने। Definitely in Mount Abu, an idol of Brahma must have been prepared and placed by the Muslims. जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। The souls who convert into the Muslim religion. वो तुम्हारा माथा जरूर खपावेंगे। They will certainly make you rack your brains. माथा खपावेंगे। They will make you rack your brains. और तुम उनको बैठ करके समझावेंगे। And you will sit and explain to them. लेकिन बाबा समझ जावेंगे। But बाबा will understand. यह तो क्या है? ये तो भेड़ बकरियाँ हैं। That they are, what are they? They are sheep and goats indeed. क्यों भेड़ बकरियाँ कहा? Why did he call them sheep and goats? समझने वाले नहीं। Someone said they will not understand. नहीं। No. भेड़ बकरियों का स्वभाव होता है, क्या खास स्वभाव होता है? It is the nature of sheep and goats. What is their special nature? एक अगर गड्ढे में जाएगी तो उसके पीछे पीछे सब सब गड्ढे में चली जाती है। Someone said they follow each other. Yes, if one goes into the ditch, all the others will follow it and go into the ditch. ये इस्लाम धर्म की, मुसलमान धर्म की खासियत है। This is the speciality of the Islam religion, the Muslim religion. क्या? What? एक के पीछे सारे ही लग जाते हैं। ऑल विल गो आफ्टर द वन हु वेंट फर्स्ट। प्रैक्टिकल में भी देखने में आ रहा है। इट इज विजिबल इन प्रैक्टिकल टू। क्या? व्हाट? कोई न कोई जरूर ऐसा उन ब्राह्मणों में है। देयर इज सर्टेनली समवन लाइक दैट अमंग दोज ब्राह्मण्स जो पक्का आड़ थान के बैठ गया। हु बिकेम स्टबर्न ऑन वन थिंग। क्या? व्हाट? कि भगवान तो निराकार ही है, भगवान साकार नहीं हो सकता, और उसको सबने फॉलो कर लिया। दैट गॉड इज डेफिनेटली इनकॉर्पोरियल, ही कैनॉट बी कॉर्पोरियल एंड एवरीवन फॉलोड दैट वन। उनकी एक्टिविटी ही ऐसी है। देयर एक्टिविटी इटसेल्फ इज सच। कैसी? लाइक व्हाट? भेड़ बकरियों। समवन सेड इट इज लाइक शीप एंड गोट्स। भेड़ बकरियों जैसी। इट इज लाइक शीप एंड गोट्स। कुछ नहीं जानते। दे नो नथिंग। भगवान को नहीं जानते गोया, कुछ नहीं जानते। दे डोंट नो गॉड, इट इज एज इफ दे नो नथिंग। अभी तुम बच्चे तो जानते हो। नाउ यू चिल्ड्रेन नो कि बाबा ने हमको रीढ़ बकरियों से कितना ऊंच बनाया है। दैट बाबा हैज मेड अस सो मच एलिवेटेड देन शीप एंड गोट्स। क्या? व्हाट? पहले हम भी क्या थे? व्हाट वर वी टू अर्लियर? समवन सेड वी टू वर शीप एंड गोट्स। है? उसे बेहद के अजमेर में जाकर के माथा टेकते थे कि नहीं मूर्ति को? वी यूज टू गो एंड बाउ बिफोर द आइडल इन द अनलिमिटेड अजमेर, डिडंट वी? टेकते थे। वी डिड। हम भी रीढ़ बकरियाँ थे। वी टू वर शीप एंड गोट्स। फिर बाबा ने हमको रीढ़ बकरियों से कितना ऊंच बनाया है। Then Baba has made us so much more elevated than the sheep and goats. ये पढ़ाई है ना?
दिस इज अ स्टडी इजंट इट। ये पढ़ाई बाप बैठे टीचर बनकर के पढ़ाते हैं। द फादर सिट्स एज अ टीचर एंड टीचर्स अस दिस नॉलेज, क्योंकि बाप बाप भी है और टीचर भी है। बिकॉज द फादर इज अ फादर एज वेल एज अ टीचर। और तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। एंड यू आर स्टडिंग टू बिकम डीटीज फ्रॉम ह्यूमन बींग्स।